पौड़ी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न होने के बाद मंगलवार को विकासखंड पाबो की खुंडेश्वर मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि खुंडेश्वर मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ब्लॉक स्तर को 70 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगातें दी है। इसी क्रम में मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार का मकसद प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का है, जिसके तहत 86 गांव के लिए पाबो बिडोलश्यू ग्राम समूह पेयजल पंपिंग का शिलान्यास किया गया है। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। वर्षों से पाबो के लोग पानी के लिए बहुत परेशान और जब मैं विधायक बना तो हमने वादा किया था कि हम धारी देवी से पानी पी जाएंगे और आज मैं प्रधानमंत्री जी का भी मुख्यमंत्री जी का भी अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 46 करोड़ रुपये की लागत से अब पाबो के हर गांव को पानी दिया जाएगा। आज उसका भूमि पूजन विधिवत यहाँ पे हो गया है और धारी देवी में टैंक उसका बनना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में पाबो ब्लॉक के हर गांव को पानी मिल जाएगा और बहुत शुद्ध पानी मिलेगा। तो बहुत ऐतिहासिक आज दिन है और आज ही पाबो डिग्री कॉलेज बनके तैयार हो गया है। पाबो डिग्री कॉलेज का भी आज विधिवत जो है लोकार्पण हो गया है। अब पाबो के बच्चे ना पौड़ी जाएंगे पढ़ने के लिए और ना श्रीनगर जाएंगे, अब पाबो के बच्चे पाबो में डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं।